जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ज्योतिष एकाग्र चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, आप ज्योतिष एकाग्र चैनल देख रहे हैं और मैं ओम प्रकाश शर्मा आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आज का विषय जो है स्त्री जाति का के सप्तम भाव में यदि शुक्र बैठा हो तो क्या परिणाम देता है, इसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। शुक्र ग्रह दो राशियों का स्वामी कहा गया है, वृषभ और तुला राशि। वृषभ और तुला राशि का स्वामी होकर यह जो शुक्र है वो एक शुभ ग्रह भी माना जाता है और यह रजोगुणी ग्रह कहलाता है। यह विवाह, वैवाहिक जीवन और प्यार, रोमांस, रोमांटिक जीवन साथी तथा यौन संबंधी सारी समस्याओं का नैसर्गिक कारक भी यही है और जितनी इसकी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। तो जिस तरह से गुरु दाम्पत्य जीवन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक उसी तरह से शुक्र ग्रह का भी अहम रोल है स्त्री जाति का के लिए। शुक्र क्यों अहम है इसके बारे में आपको विस्तार से बताने जा रहा हूँ। यह एक सौंदर्य का प्रतीक है, जीवन का सुख, वाहन सुख, विलासिता आदि, सुगंध, सौंदर्य और सौंदर्य के साथ प्रसाधन, सौंदर्य प्रसाधन का कारक भी शुक्र ही माना गया है। किसी भी स्त्री की कुंडली में जैसे शुक्र ग्रह जितना शुभ होगा और उतना ही उसका शुभ परिणाम आपको देखने को मिलेगा। स्त्री की कुंडली में शुक्र का दाम्पत्य जीवन में अहम रोल तो है ही सही और कुंडली का अच्छा शुक्र स्त्री के चेहरे पर निखार लाता है। यह स्त्री की सुंदरता को प्रकट करता है और यह चेहरे का आकर्षण भी यह जो है आपको शुक्र के कारण ही मिलता है। अच्छे शुक्र के प्रभाव से स्त्री को हर सुख सुविधा मिलती है। यह जरूरी नहीं है कि स्त्री का रंग गोरा है या सांवला है, सुंदर उसके सुंदर नेत्र और सुंदर केश ही उसकी पहचान मानी जाती है। शुक्र शुभ हो तो उसको जितनी आवश्यकता होती है, जो भोग विलासिता की सारी उसको मिल जाती है। किसी भी वर्ग की स्त्री हो, उच्च मध्यम परिवार की या निम्न स्तर के परिवार की हो, लेकिन उसे अच्छा शुक्र उसके आय के अनुसार उसी तरह से वैभव प्रदान करता है। यहाँ यह कहना जरूरी है कि अगर आय के साधन सीमित हो तब भी वह ऐसी स्त्री आराम से ही रहती है। अच्छा शुक्र किसी भी स्त्री को अच्छा गायन, अभिनय, काव्य लेखन और प्रेम आदि को प्रकट करता है। अगर यही शुक्र बुद्धि के साथ हो तो स्त्री लेखन के क्षेत्र में बहुत अच्छे सफलता मिलती है और यही शुक्र यदि गुरु के साथ संबंध रखता हो तो ऐसी स्त्री का मोटापा ज़्यादा बढ़ जाता है और अनाकर्षक से बचता है। वहीं शुक्र से मोटापा तो बढ़ता ही है लेकिन उसकी सुंदरता जरूर निखरती है। यहाँ ये जो है शुक्र स्त्रियों को अति सुंदर, विलासिता, वैभव सब कुछ देता है। ये तो है शुभ ग्रह के परिणाम। अशुभ ग्रह किस तरह से बनता है उसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ। अशुभ ग्रह यदि यही शुक्र पाप प्रति योग में हो, अर्थात शुक्र के आगे और शुक्र के पीछे यदि गुरु ग्रह पापी ग्रह स्थित हो, जैसे शनि, राहु, सूर्य, तो यदि इसे पाप प्रति योग बनता है तो ऐसे स्त्रियों को कि जितने मैंने बात बताई है उसमें उसको बाधा आती ही आती है। स्त्री शुक्र महिलाओं का प्रजनन अंगों, मासिक धर्म चक्र के तीसरे सप्ताह पर इसका प्रमुख
प्रतिनिधित्व रहता है। शुक्र यदि कमजोर होगा तो शुक्र के कारण गर्भाशय डिंब ग्रंथि की कमी के लिए शुक्र को जिम्मेदार माना जाता है। शुक्र के कारण ही पेशाब से संबंधित बीमारियां, श्वेत प्रदर, रक्त प्रदर आदि शुक्र के कमजोर होने पर या अशुभ होने पर इसके रिजल्ट आते हैं। शुक्र ग्रह स्त्री जनांगों का संकेतक है। स्त्री की कुंडली में यदि बली शुक्र ग्रह है तो वह भाग्यशाली और धनवान पति की तरफ इंगित करती है। यह है शुक्र के शुभ और अशुभ के परिणाम।